नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी टेस्ट मैच बेहद रोमांचक हो गया है। बता दें आपको कि टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और चेतेश्वर पुजारा के शानदार 193 और ऋषभ पंत के शानदार 159 रन की बदौलत टीम इंडिया ने पहली पारी में 622 का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। दिन का तीसरे दिन का खेल जो है वो खत्म हो गया। बैड लाइट की वजह से जो है खेल रोक दिया गया था और उसके बाद अब स्टंप्स का ऐलान कर दिया गया है, यानी कि अब महज दो दिन का खेल बचा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की 6 विकेटें गिर चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया अभी भी काफी ज्यादा पीछे है और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया को अभी भी 180 प्लस रन चाहिए फॉलो ऑन से बचने के लिए, यानी कि भारत का लगभग सेफ हो चुका है और भारत के लिए यहाँ से हारने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया या तो यहाँ से हारेगा या तो फिर मैच ड्रॉ होगा, ये दो चीज़ें हैं। फिलहाल जो अपडेट आई है वो यही है कि तीसरे दिन का खेल खत्म हो रहा है और जो सबसे बड़ी जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि आज पूरे दिन कुलदीप यादव का जलवा जो है वो बरकरार रहा। जिस तरह से कुलदीप यादव ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और उनके प्रदर्शन ने कहीं ना कहीं भारतीय टीम को मजबूर कर दिया कि नहीं, आज जो है एक मिस्ट्री गेंदबाज की जो कमी थी वो पूरी हो गई है। सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरह से कुलदीप यादव ने 3 विकेटें निकाली हैं वो दर्शाता है कि यहाँ पर भारतीय टीम जो है वो पूरी तरह से पुख्ता तौर पर डोमिनेट कर रही है। टिम पेन का विकेट उन्होंने लिया। टिम पेन का विकेट लेने के बाद उन्होंने यहाँ पर पीटर हैंड्सकॉम को भी खासा परेशान किया। हालांकि हैंड्सकॉम जब रांची टेस्ट में आए थे ऑस्ट्रेलिया के तरफ से तो उन्होंने भारतीय स्पिनर्स को डोमिनेट किया था और एक बार फिर वो स्पिनर्स को अच्छा खेल रहे हैं। हालांकि जडेजा ने भी बखूबी साथ दिया है। आपको याद है कि बता दें कि यहाँ पर भारत जो है 2 पेसर और 2 स्पिनर लेकर उतरा है, तो भारत ने एक रिस्क भी उठाया था। पहला रिस्क जो बल्लेबाजी का था वो तो भारत ने पार कर दिया है, दूसरा रिस्क जो गेंदबाजी का है, करीब करीब आज सभी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की। 3 विकेटें कुलदीप यादव को मिली, 2 विकेटें रविंद्र जडेजा को मिली, 1 विकेट मिली मोहम्मद शमी को और उस 1 विकेट ने कहीं ना कहीं मैच के अंदर खलबली मचा दी। शॉन मार्श, उस्मान ख्वाजा और मार्कस हैरिस आउट हो चुके हैं। सबसे हाईएस्ट स्कोर बनाया मार्कस हैरिस ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 79 और जिस तरह से आउट हुए मार्कस हैरिस लग नहीं रहा था कि भारतीय टीम को कुछ खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो कुलदीप फैक्टर था और कुलदीप फैक्टर ने विराट कोहली की टीम को पूरी तरह से सफलता दिलाई है। सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा था कि नहीं क्या भारत यहाँ से जीतेगा या नहीं जीतेगा, फिलहाल जो संभावनाएं हैं वो यही है कि भारत यहाँ से जीत दर्ज कर सकता है और अगर भारत जीत दर्ज करेगा तो आसानी से ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से सीरीज जीतेगा। सीरीज हमारे नाम तो लगभग हो चुकी है। अब इंपॉर्टेंट है कि भारत कितना जल्दी ऑस्ट्रेलिया का आउट करता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।